नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल, प्रखर चिंतक एवं विचारक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा, चुनाव की सात्विकता रखें कायम। चुनाव के दौरान नहीं होना चाहिए अनावश्यक धन संग्रह। चुनाव में धनबल का नहीं होना चाहिए दुरुपयोग। राजनीति के नैतिक मूल्यों का संरक्षण और संवर्धन जरूरी। प्रखर चिंतक एवं विचारक अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि देश में हो रहे चुनाव और उपचुनाव भारतीय लोकतंत्र के उत्सव की तरह हैं, इसीलिए लोकतंत्र के उत्सव की सात्विकता सुनिश्चित करते हुए चुनाव के दौरान धनबल का दुरुपयोग पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि लोकतंत्र के इस उत्सव को धन उत्सव बनाना नैतिक पतन और राष्ट्रद्रोह है, इसलिए चुनाव के दौरान लोकतंत्र विरोधी इन गतिविधियों से पूरी तरह परहेज किया जाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि समय जगत समूह का संरक्षण होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि इस समूह के चुनाव की सात्विकता के मामले में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत प्रभावी ढंग से किया है। दूसरे समाचार पत्र समूह अगर ऐसे ही कारगर पहल करें तो इससे उनकी विश्वसनीयता में बढ़ोतरी होगी। नमस्कार साथियों, चुनावी चर्चा में खबर समय जगत में आपका स्वागत है। हमारे अतिथि हैं प्रखर वक्ता, विचारक, चिंतक श्री अशोक त्रिपाठी जी। सर नमस्कार आपका। और मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि चुनावों में जिस तरह से, जैसे चुनाव आते हैं तो मीडिया में एक शब्द प्रचलित हो जाता है, पैकेज। लेकिन समय जगत समूह ने इस शब्द से दूरी बनाई है, और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, इसके बारे में हमने आपको बताया, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, यह एक ऐसा ज्वलंत विषय है जो पूरे पत्रकारिता जगत की प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और समय जगत समूह ने यदि किसी भी प्रकार के पैकेज का विरोध किया है तो वह प्रशंसनीय, सराहनीय, अनुकरणीय है। क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में, आज भी जो भी प्रत्याशी देंगे पैकेज, निश्चित वो होंगे डैमेज, वो समझें या ना समझें। लेकिन समय जगत समूह जो विगत 16 वर्षों से देश से प्रदेश की राजधानियों तक, भोपाल से चौपाल तक विस्तारित है, और खबर समय जगत जो आपका वेब चैनल है, बहुत सीमित समय में जो करोड़ों व्यूअर्स की ओर पहुंच रहा है, लाखों सब्सक्राइबर की ओर जा रहा है, ये सब बधाई के पात्र हैं। क्योंकि कभी भी आज तक सुनने में नहीं आया कि समय जगत समूह के द्वारा किसी भी प्रकार के पैकेज की अपेक्षा किसी भी चुनाव में किसी भी दल के किसी भी प्रत्याशी से की गई हो। लेकिन उसको मुखर होकर, प्रखर होकर प्रकाशित करना बहुत प्रशंसनीय, साहसिक कदम है जी। क्योंकि ये बात आप मानिए कि संविधान की आत्मा के अनुरूप अपन कहते हैं, या संविधान की इच्छा के अनुरूप कहते हैं, संविधान का विधान, उसका करो सम्मान, कि सहज सरल योग्य ईमानदार प्रत्याशी का चयन करें जी। यदि वो आपको पैकेज का ऑफर करता है तो वो कहां से ईमानदार हुआ जी? या आप उससे पैकेज की अपेक्षा करते हैं तो आप उसको ईमानदारी से डिगा रहे हैं या पथभ्रष्ट कर रहे हैं? पैकेज देने वाला भी गलत और पैकेज लेने वाला भी गलत जी। अब ये जो कुछ जो लोग कर रहे हैं उनकी अंतरात्मा जाने, लेकिन समय जगत समूह ने तय किया है वह किसी भी क्षेत्र में उसके किसी भी दल के किसी भी प्रत्याशी द्वारा किसी भी संवाददाता को पैकेज देना, अर्थात हम उसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लाते हैं जी। और हमारा तो आह्वान है, अन्य मीडिया बंधुओं से भी आह्वान है, संघर्ष के समय निष्पक्षता और निर्भीकता से खबरें परोसना ही हमारा नैतिक धर्म है। और संघर्ष के समय उस व्यक्ति को पथभ्रष्ट करना भी ठीक नहीं है जी। चुनावी सफलता या उसके पूर्व भी जी, विज्ञापन लीजिए, बिल्कुल विधि सम्मत प्रक्रिया में लीजिए, निर्वाचन आयोग को वो भी सूचित करे, आप भी सूचित करिए, चुनाव के परिणाम के बाद सफलता पे विज्ञापन लीजिए, दीपावली पर लीजिए, लेकिन पैकेज से लोकतंत्र को डैमेज मत करिए। यह ना आपके लिए ठीक है ना उनके लिए ठीक है। यह आह्वान पुनः समय जगत के सभी संवाददाता बंधु तो इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं। फिर भी यदि
कहीं कोई करता है तो हमने प्रत्येक प्रत्याशी से, प्रत्येक दल के प्रत्याशी को आह्वान किया है कि तत्काल हमें सूचित करें, समग्र समाज से, अन्य मीडिया बंधुओं से भी मैं आग्रह करता हूं, ना लो पैकेज, ना करो अपने आप को डैमेज। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।